Great. Good work. So cast, we're going to put our hands together and welcome all the media members and ourselves right here. वैसे बहुत ही अच्छा लग रहा है to see all of you all here. और आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल हैं जो आप सबसे पूछना चाहेंगे. वैसे 30 अगस्त यानी कि काफ़ी वक्त कम है हमारे पास. द शो इज़ राइट नाउ जस्ट अ वीक अवे. तो शालीन आपसे शुरू करते हैं कि आपका जो कैरेक्टर है करण शैगी है उसे अखड़ बहुत ही सख्त माना जाता है और ये कैरेक्टर आपको खेलते हुए यहाँ पोर्ट्रे करते हुए कैसा लगा, प्लस आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा विद जिद्दी दिल मानेना? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन. मुझे पता है कि बहुत टाइम बाद हम लोग ऐसे मुलाकात कर पा रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल ऑफ यू जो इन्होंने करवा दिया है. बट वंस अगेन बिकॉज इट रियली टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर यू गाइस टू कम हियर. सेकंड अबाउट करण, मुझे तो बहुत मजा आता है. मतलब और क्या चाहिए, अगर आपको पता है कि आपके सामने जितने भी लोग हैं जब आप उनको कोई एक ऑर्डर दें और वो ऑर्डर मना ना कर पाए तो वो जो प्लेजर है, वो जो स्टैटिस्टिक प्लेजर है वो है. लेकिन बट वो करण का नहीं, वो शालीन का है. करण एज अ कैरेक्टर आई थिंक इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड, बहुत उसूलवादी है. उसके हिसाब से ज़िंदगी में कुछ भी ऐसी चीज़ आसानी से जिनको मिल जाती है उनको उसकी कदर नहीं है. तो ही इज़ वेरी हेड स्ट्रॉन्ग, ही इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कमांडोज इन द कंट्री. ही उसको ये पसंद नहीं है कि लोग हर चीज़ हल्के में लेते हैं, खासकर जिन लोगों को चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं. अदरवाइज आई थिंक इट्स अ कैरेक्टर जिसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं जो आगे आगे एज सून एज वी प्रोग्रेस इन द शो आपको पता चलेगा, शायद दूसरे एपिसोड से पता चलना शुरू हो जाएगा कि वो सिर्फ खड़ूस नहीं है. उसके खड़ूस होने की एक वजह है, एक कारण है. और उसके बाद ऑफकोर्स जैसे हम आम इंसान हैं, हर एक आदमी ऑफिस में कभी खड़ूस होता है, कभी घर पर जाके बच्चों के सामने उसको पिघलना पड़ता है, तो वैसे ही ये भी एक इंसान है, एक ह्यूमन. सो ही हैज़ ऑल द इमोशंस दैट अ ह्यूमन हैज़. सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल रिटन कैरेक्टर एंड it's an experience of my last 10 years. I think it is one of the best experiences in a TV show that I've had because of the wonderful cast that I have here. I think they are supremely talented. Kai log mere se bhi purane hain aur kai log kafi naye hain, but considering that I think all of them are amazing as actors, and when I look up to them I personally strive to reach the level of their excellence, and hence we really have a lot of fun on the set.